नमस्कार, मैं हूँ माया अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीपीटी न्यूज। यमुनानगर के कस्बा जटलाना स्थित एक मेला देखने गए मासूम युवक कल रात से लापता था, लेकिन आज युवक का शव गंगा के बाहर नग्न हालत में पड़ा हुआ मिला, जहां से पता चला कि मासूम के साथ कुकर्म कर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जांच आरंभ करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यमुनानगर से लोकेश को हमारे गांव में देवी का मेला पड़ता है माता का। मेरा लड़का, दूसरा लड़का, दोनों लड़के मेला देखने के लिए गए थे। मेला देखते देखते घूमते घूमते उनको 9 बज चुके हैं मेले में। बड़ा लड़का 9 बजे घर आ गया। उसकी मम्मी ने पूछा, अभी तेरा भाई कहाँ? कल मेले में आए, कल अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। जब नहीं आ जाए घंटे तक 10 बज गए जी। फिर जी उसकी मम्मी ने ढूंढने की तलाश की जी, उसके बोल जी पूरे गाँव में ढूंढा, पूरे तालाब ढूंढा जी, पूरा मेला ढूंढा जी, कहीं नहीं मिला जी। सुबह फिर जी ढूंढने के लिए निकल गए जी घर से। ढूंढते जी 2 घंटे गए जी, कहीं नहीं मिला जी। फिर जी कहीं से पता लगा जी, तालाब के पास मिला जी डेड बॉडी जी उसकी। उसके बच्चे के साथ कुकर्म किया गया जी, कुकर्म बेरहमी से किया गया जी। सूचना मिली थी कि एक हरीश सनोख कृष्ण लाल लड़का है 12 साल का, वो कल देवी मेले में गया था, जटलाना में मेला था उसको देखने के लिए, और घर पे नहीं आया। जिसकी तलाश में उसके वारिस उसको देखने के लिए जा रहे थे, जो पीर वाला एक तालाब है वहाँ, उस तालाब के पास इसकी डेड बॉडी मिली है और मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद सारी क्लियर हो जाएगी। हाँ, उसका बयान में आई है बात, हमने उन्हीं इदारों में मामला दर्ज कर दिया है। हाँ, जल्दी आरोपियों को जल्दी ही जल्दी